गुड मॉर्निंग गर्ल्स, गर्ल्स पिछली क्लास में मैंने आपको लेगो मटन स्लीव के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। आज मैं आपको लेगो मटन स्लीव की ड्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगी। लेगो मटन स्लीव को हम लेगो मटन स्लीव क्यों कहते हैं, लेगो लैम्प स्लीव क्यों कहते हैं और इसे फ्रेंच वर्ड गिगोट स्लीव के नाम से हम क्यों जानते हैं, ये सब हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पर फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी कि वॉट इज लेगो मटन स्लीव। इट इज अ स्लीव दैट हैज अ लॉट ऑफ फुलनेस अराउंड द शोल्डर बाइसेप एरिया बट इट इज फिटेड अराउंड द फोर आर्म और रिस्ट। ये वो स्लीपर टाइप है जिसमें की फुलनेस क्रिएट की जाती है। कहाँ पर की जाती है? शोल्डर बाइसेप एरिया पे बहुत ज्यादा फुलनेस क्रिएट की जाती है और फिर धीरे धीरे टेप आउट होता हुआ फोर आर्म और रिस्ट पर ये फिटेड होता जाता है। अब इसकी ड्राफ्टिंग करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें किन किन मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसको बनाने के लिए हमें निम्नलिखित मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। फुल स्लीव लेंथ मेजरमेंट, जो कि मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर 30 सेंटीमीटर्स लिया है। अपर आर्म स्लीव लेंथ मेजरमेंट, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 14 सेंटीमीटर्स लिया है। राउंड चेस्ट मेजरमेंट, जो मैंने 56 सेंटीमीटर्स लिया है। राउंड अपर आर्म मेजरमेंट, जो मैंने 19 सेंटीमीटर्स लिया है। राउंड रिस्ट मेजरमेंट, जो मैंने 14 सेंटीमीटर्स लिया है। ये सभी नाप मैंने स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट से लिए हैं। यदि हम डायरेक्टली किसी बॉडी के मेजरमेंट ले रहे हैं स्लीव बनाने के लिए तो ये मेजरमेंट वेरी कर जाएंगे। अब इसकी ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे फुल स्लीव लेंथ, जो कि मैंने 30 सेंटीमीटर लिए, इसको बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने 0 to 1 लिया है फुल स्लीव लेंथ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट लेने के बाद 0 to 2 जो मेजरमेंट मैं लूंगी वो लूंगी अपर आर्म स्लीव लेंथ मेजरमेंट। अपर आर्म स्लीव लेंथ मेजरमेंट वो होता है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि हमारा जो आर्म जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से लेकर एल्बो तक का जो नाप कहलाएगा वो हमारा अपर आर्म स्लीव लेंथ मेजरमेंट कहलाएगा। वो मैंने यहाँ पर 14 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के लिए लिया है। उसके बाद में 0 to 3 मेजरमेंट लूंगी। 0 to 3 मेजरमेंट 1/4 ऑफ राउंड चेस्ट प्लस 10 to 15 सेंटीमीटर्स फॉर गैदर्स या पीठ के लिए लिया है। जितना मैंने 0 to 3 मेजरमेंट लिया उतना का उतना मैं 2 to 4 लूंगी। उसके बाद में 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3 एंड 2 to 4 को स्ट्रेट लाइंस के द्वारा, जैसे मैंने आपको ड्राफ्ट में दिखाया, मैं ज्वाइन कर लूंगी तो मेरे सामने ये शेप निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में 0 to 5 मेजरमेंट लूंगी। 0 to 5 मेजरमेंट जो है ये पफ के लिए लिया जाता है, जो मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर्स लिया है। आप इसमें 5 सेंटीमीटर्स भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें कितना रेज्ड पफ बनाना है। जितना हमें हाई पफ बनाना होगा ये नाप हमें उतने ही ज़्यादा लेने होंगे। फिर हम 3 to 6 मेजरमेंट लेंगे। 3 to 6 मेजरमेंट जैसे कि मैंने प्लेन स्लीव में और पफ स्लीव में लिया था, ठीक उसी प्रकार से लिया जाता है। 1/12 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर। अब मुझे 5 और 6 को ज्वाइन करना होगा स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो हम बोलेंगे ज्वाइन 5 to 6 विद अ स्ट्रेट लाइन। 7 इज द मिड पॉइंट ऑफ 5 to 6, 8 इज द मिड पॉइंट ऑफ 5 to 7 एंड 9 इज द मिड पॉइंट ऑफ 6 to 7। 7 to 10 में 0.75 सेंटीमीटर लूंगी। 8 to 11 1.5 सेंटीमीटर। 9 to 12 1 सेंटीमीटर। फिर इन पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना है। ज्वाइन 6, 9, 10, 11 and 5 विथ ए स्लाइट कर्व फॉर बैक आर्म साइन शेप। ज्वाइन 6, 12, 7, 11 and 5 फॉर फ्रंट आर्म साइन शेप। ज्वाइन करते समय मुझे ध्यान रखना है कि इसमें मुझे स्लाइड कर्व में ज्वाइन करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ड्राफ्टिंग में शो किया है। अब इस स्लीव में साइड में शेप लेने के लिए 4 to 13 1.5 सेंटीमीटर्स लूँगी। देन आई विल ज्वाइन 6 to 13 विद अ स्ट्रेट लाइन। 13 to 14 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 to 15 1 सेंटीमीटर। ज्वाइन 14 to 15 विद द स्लाइड कर्व एज शोन इन द ड्राफ्ट। तो इस प्रकार से हमारे पास ऊपर वाला पार्ट स्लीव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पीस लेगो मटन स्लीव का ऊपर वाला पार्ट हमारे सामने आ जाता है। अब कफ को बनाने के लिए जो मैंने यहाँ पर स्लीव लेंथ लिया था, फुल स्लीव लेंथ लिया था, उस फुल स्लीव लेंथ में से अपर आर्म स्लीव लेंथ जब माइनस हो जाता है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारे पास कफ की लेंथ के लिए आ जाता है। 2 to 16 ये हमारा राउंड
अपर आर्म जो हमने लिया है, राउंड अपर आर्म का जो हमने मेजरमेंट लिया है उसका हाफ लेते हैं प्लस 1 सेंटीमीटर फॉर एज अलाउंस लेते हैं। ये राउंड रिस्ट मेजरमेंट का हाफ लेकर उसमें 1 सेंटीमीटर एज अलाउंस के लिए हम ऐड करते हैं और जॉइन 16 to 17 विद अ स्ट्रेट लाइन। तो इस प्रकार से हमारे पास कफ का ड्राफ्ट तैयार हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास दो पीस तैयार हो जाते हैं, ये अपर पार्ट है और ये इसका कफ वाला पार्ट है। इन दोनों पीसेस को पैटर्न में हम अलग अलग कट करके यहाँ पर हम जॉइन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, ये यहाँ से जॉइन कर दिया जाता है तो हमारे पास टू पीस लेगो मटन स्लीव का ड्राफ्ट तैयार हो जाता है। हम कह सकते हैं कि टू पीस स्लीव हमारे पास तैयार हो जाती है। जैसे कि अदर ड्राफ्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसमें ऑनफोल्ड लिया जाता है, इसमें भी यहाँ पर ऑनफोल्ड लिया जाता है और इसमें लोअर वाले पार्ट पर भी ऑनफोल्ड रखा जाता है ताकि हमें इसे और फिनिशिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। अर्थात कफ वाले पार्ट को यहाँ से भी फोल्ड किया जाता है और नीचे वाली जगह से भी फोल्ड कर दिया जाता है। इस प्रकार से कफ को बनाया जाता है। ग्रेन इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपर वाले पार्ट जो है उसे हमें बायस ग्रेन में कट करना चाहिए। बायस ग्रेन में यदि हम अपर पार्ट को कट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है और लोअर पार्ट यानी कि कफ को हमें क्रॉस ग्रेन में कट करना चाहिए। ये भी फ्रंट एंड बैक पार्ट को निरूपित करता है और यहाँ पे भी हमने कफ के बनाने के लिए फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को ही बनाया है। इस प्रकार से दो पीसेज में हमारा लेगो मटन स्लीव तैयार होता है, इसलिए हम इसे टू पीस लेगो मटन स्लीव कहते हैं। इस स्लीव का प्रयोग आप लेडीज़ गारमेंट जैसे पार्टी गाउन्स बनाते हैं उनमें आप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो फ्रॉक्स, बच्चों की जो फ्रॉक्स बनाते हैं उनमें भी आप इनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। Thank you.